देश में महंगाई से राहत मिलने के संकेत हैं। रिटेल महंगाई के आंकड़ों में करीब 40% हिस्सेदारी रखने वाली कृषि, जींस, मसलन, अनाज, तेल, तिलहन और दलहन के भाव 2022 के रिकॉर्ड स्तर से 21% तक घटे हैं। अब तक के रिकॉर्ड हाई लेवल से इनके दाम 56% से भी ज़्यादा की गिरावट इसमें आ चुकी है। सिर्फ चावल के भाव स्थिर रहे हैं। दरअसल वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका के चलते बीते 2 महीने में दुनिया भर में कॉमोडिटीज के दाम तेजी से घटे हैं। वहीं केडिया कॉमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक निकट अवधि में गिरावट का मौजूदा ट्रेंड जारी रहेगा, इसका असर रिटेल महंगाई पर नजर आएगा। वहीं बता दें कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की एक रिपोर्ट कहती है कि जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ेगा, घरेलू बाजार में कृषि जींसों की कीमत पर दबाव बढ़ेगा और सब्जियां भी सस्ती होंगी। वहीं एरिगो ई मंडी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर के मुताबिक निर्यात पर पाबंदी की वजह से गेहूँ के भाव नीचे आए हैं, लेकिन बीते सीजन में कम फसल उतरने के चलते इसमें गिरावट सीमित रही। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया से पाम ऑयल के निर्यात पर लगी रोक हटने के बाद सप्लाई बढ़ने से खाने के तेल और तिलहन के भाव दबाव में हैं। यूक्रेन के सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई बढ़ने के असर भी घरेलू तेल बाजार पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।